नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ मैनेक्स में आप सभी का स्वागत है। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फोन सारण से आया। सारण से एक व्यक्ति ने फोन किया सर। उन्होंने कहा कि उदय बाबू पुणे में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और वे बेचारे परेशान थे। उन्होंने कहा, मनीष अगर आपकी बात होगी तो पहला प्रश्न उनसे ही पूछेगा, उदय बाबू चुनाव में क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं चुनाव में नहीं आ रहा हूं, ये मैंने घोषणा भरे कल शाम को की हो, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से मन बना चुका था कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा था ये देखने के लिए कि ये जो सर्कस नाटक राष्ट्रीय दल करते हैं अपने लोगों के साथ, वो किस नतीजे तक पहुंचता है। लेकिन मैं पहले आपने जो जिनके लिए ये प्रश्न पूछा है उनको उत्तर दे दूं। मैं चुनाव नहीं लड़ने का इसलिए सोचा था कि मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि मेरे जीवन की इस अवस्था में क्या ये उचित होगा कि मैं अपने लिए दिल्ली जाने की राह तलाश करूं, या फिर कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे नए तरीकों को प्रयोग में लाऊं जिससे एक व्यापक परिवर्तन न कि सिर्फ हमारे पूर्णिया में बल्कि हमारे बिहार में देखने को मिले। क्योंकि पिछले 20-22 महीने से आप जानते हैं कि जन स्वराज का यहाँ अभियान चल रहा है। प्रशांत किशोर जी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत पैदल घूम रहे हैं, और इस योजना के शुरुआत से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर ये योजना बनाई कि बिहार को एक नए विकल्प की आवश्यकता है। क्योंकि ये फिर से शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, एक तरह से सर्कस चल रहा है पिछले 30-35 साल से बिहार में। वही लोग, वही चेहरे, वही विधायक बनते हैं, वही सांसद बन जाते हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं, और बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। ये जो कुछ हाईवे और पुल दिखलाकर लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, ये झूठी बात है। कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, आज पूरे देश में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान से सस्ते लेबर के नाम पर यहाँ से लोगों को उठाकर दुनिया के हर कोने में भेज दिया जाता था, आज मोटे तौर पे बिहार की वही स्थिति हो गई है देश भर के लिए। जहाँ चले जाइए मेहनत करने वाले आपको बिहार के ही मिलेंगे, और बिहार में कुछ नहीं है। इन चीज़ों को बदलना है, और मैंने सोचा कि जो भी समय मेरे पास बचा हुआ है, मैं 70 से ज़्यादा उम्र का हो गया हूँ, 70 पार कर गया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक समय की भी सीमा होती है, और बचे हुए समय को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि बिहार के लिए जो कर सकूं, पूर्णिया के लिए जो कर सकूं वो करूंगा। और हम लोग जब इंटरव्यू करते हैं उसमें स्वागत करते हैं। मैंने आज आपको स्वागत नहीं किया इसलिए क्योंकि हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं ऑन स्टेज। पूर्णिया की जनता को आशा है कि आप चुनाव में आएंगे, और या तो इंडिया की तरफ से आएंगे या तो एनडीए की तरफ से आएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बाहर हैं, तो फिर इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? मैं स्वतंत्र खड़ा हूँ, और ये ज़रूर अपने लोगों को बता दूँ कि जिस दिन जन स्वराज अभियान जब भी जैसे भी वो एक राजनीतिक दल का रूप लेगी, तो उसके साथ मेरा जुड़ाव ज़रूर होगा। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ना मैं पूर्णिया छोड़ रहा हूं, ना मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। मैं राजनीति में एक नई राह की तरफ बढ़ रहा हूं, जो मेरी नज़र में राह आवश्यक है। तो जन स्वराज क्या है सर, जिसको बार बार आप चर्चा कर रहे हैं? जन स्वराज एक अलार्म है। जैसे सुबह उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, बिहार के लोगों को उठाने के लिए, जगाने के लिए एक अलार्म की घंटी बज रही।
उनको ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, तो किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ना ठहराकर अगर अपने अंदर आप देख लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप खुद जिम्मेदार हैं बिहार को और अपने आप को यहां रखने के लिए, क्योंकि आप बहुत सहज तरीके से ठगे जा सकते हैं। और जब हमारे जैसे राजनीति में जो खिलाड़ी हैं उन्हें पता लगता है कि हमारे लोगों को हम ठग सकते हैं बड़े आसानी से, तो हम वो रास्ता अपना लेते हैं। और इसलिए बिहार की जनता हर 5 वर्ष के बाद अपने आप से पूछती है कि भाई ये भी 5 वर्ष बीत गए, मैं तो वही हूं, मेरे बच्चे को तो नौकरी है नहीं, मेरे घर में तो कोई सुविधा है नहीं, मैं तो कहीं आगे बढ़ नहीं पाया, मेरी आर्थिक स्थिति तो और दयनीय हो गई। तो फिर कोई और चला आता है और फिर कोई और नए वादे कर देता है, और वो वादे इतने लुभावने होते हैं कि मैं फिर उस जाल में फंसता हूं। एक बिहारी होने के नाते उस जाल में मैं फंस जाता हूं, 5 वर्ष तक फंसा हुआ रहता हूं, फिर बड़े मुश्किल से निकलता हूं लेकिन फिर फंसता हूं। तो ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि अगर अपने आप को हम अंदर देखें और अपने आप को जगा लें और अपने आप से पूछ लें कि हम जो अपने लिए व्यवस्था बनाते हैं उसमें हमारी क्या भागीदारी है और क्या भागीदारी होनी चाहिए, इन दोनों का अगर हम फर्क जान जाएं कि किसी को मदद करना या अपने आप को मदद करने में जो अंतर है, अगर वो हम लोग समझ जाएं तो बिहार की स्थिति बदल सकती है। और जन सुराज अभियान यही अलार्म की घंटी बजाकर गांव गांव शहर शहर घूम रही है बतलाने के लिए, और ये कह रही है कि आप आगे आइए और पीछे छोड़िए इन नेताओं को और इन दलों को, और अपने आप में से चुनकर निकालिए ऐसे लोगों को जो समाज के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और आगे चल के मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि आज जो स्थिति बनी हुई है पार्टियों की, मोटे तौर पे इसको किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आज एनडीए के उम्मीदवार के बारे में ये चर्चा नहीं होती कि वो कितने सक्षम है। आज एनडीए के उम्मीदवारों को ये भरोसा है, नेतृत्व को भी और प्रत्याशी को भी, कि मुझे एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहां की जनता दिल्ली पटना जहां जाना है मुझे भेज देगी। तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनी अपने मतदाताओं के प्रति या अपने क्षेत्र की जनता के प्रति? वो तो कहता है मुझे मनोनीत किसी ने किया और मैं किसी की वजह से जा रहा हूं, तो फिर ये बीच के कौन है जनता? ये ठीक है बटन दबाने वाले होंगे, ये बटन दबाकर चले गए अपना काम करके और इसलिए काम नहीं होगा। और यही हाल दूसरी तरफ है, वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते वो जमात हमारे साथ है, इसलिए हम तो जिसको भी दे दें गले में तख्ता लटका दें उसको वो बटन दबाने वाले बटन दबा देंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं यहां तो वो कहते हैं मेरा भी जनता से क्या लेना देना है, क्योंकि वोट तो मुझे किसी और वजह से मिला है, जब तक वो वजह कायम है मैं बनता रहूंगा। जन सुराज को लेकर के एक कॉन्सेप्ट ये है, और जो पत्रकार रिपोर्ट बनाते हैं जन सुराज पर, तेजस्वी के पिता जेल गए, कर्पूरी ठाकुर ने संघर्ष किया, जन सुराज में प्रशांत किशोर तो कोई संघर्ष नहीं कर रहे, सिर्फ वो पद यात्रा कर रहे हैं। क्या सिर्फ पद यात्रा भर से बिहार में वो सरकार बना रहे हैं? देखिए, सरकार बने ना बने, इतनी सफलता मिले ये जनता के हाथ में है, लेकिन जन सुराज का जो मैसेज है वो आदरणीय कर्पूरी जी या आदरणीय जयप्रकाश जी वो किसी से कम नहीं है। कहने का तरीका दूसरा हो सकता है, समय बदल गया है, समय दूसरी है, जिस चीज़ की हमें महसूस होती है कि आवश्यकता है हम वो कर रहे हैं। अब वो ज़माना गांधी जी वाला नहीं रह गया, लोग इतने पिछड़े नहीं हैं, गांव में भी जिनको हम अशिक्षित कहते हैं वो इतने अशिक्षित नहीं हैं, बात समझाने पर वो भी बात समझ जाते हैं। विकल्प उनको चाहिए, वो आज आप देखिए ना वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी के
जिनको हम कभी कभी अंधभक्त कहते हैं, वो उनकी हर गलती को माफ करने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो महामानव मानते हैं। अगर उल्टे इस तरफ देखिए, हमारे यहाँ इतने तादाद में मुसलमान हैं, इतनी संख्या है इनकी, उनसे अगर पूछे तो वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हमें बीजेपी को रोकना है। जिस तरह की ध्रुवीकरण हमारे समाज में हो गई है, इसको कौन कम करेगा? और ये तो दिनों दिन ये जितने दल वाले हैं बढ़ा ही रहे हैं। जो चीज नहीं करनी चाहिए समाज में, वो व्यापक रूप से दल वाले ही कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद हो या जातीय उन्माद हो, उसको वो हवा दे रहे हैं, जबकि आवश्यकता किसी और चीज की है। साहब, क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां मुसलमान वोट नहीं देगा? साहब, क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां हिंदू वोट नहीं देगा? साहब, क्यों ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां मुद्दों पर बात होकर चुनाव नहीं होगा? हम चुनाव के बीच में, नामांकन हो गए हैं, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, कहीं चुनाव के मुद्दे आपको मिल रहे हैं? कहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनके बारे में? एक साधारण व्यक्ति के मुद्दों को कौन उठाएगा और उन साधारण व्यक्ति के मुद्दों को कौन सॉल्व करेगा? उसका निदान कहां से आया होगा? ये गंभीर सवाल है, और इसलिए इसमें कोई आइकॉन की जरूरत नहीं होती है कि प्रशांत किशोर हैं या वो आदरणीय कर्पूरी जी थे या आदरणीय जयप्रकाश जी थे, ये आइकॉन की जरूरत नहीं है। संवाद क्या हो रहा है, मैसेजिंग क्या है, उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हमारा अब प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न होगा, और हम उदय बाबू से जानेंगे कि पॉलिटिकल प्रश्न जो है वो दिन भर की सुर्खियों में सिर्फ आज उदय बाबू क्यों रहे, क्योंकि इनके यहाँ पप्पू यादव आए, इनके यहाँ बीमा भारती आई, और क्या गुफ्तगू हुआ दोनों से। दोनों आए थे, दोनों यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, क्योंकि दोनों ने ही नामांकन नहीं किया है, तो संभवतः दोनों ही चुनाव में लड़ेंगे। मैं पूर्णिया में राजनीति के दायरे में हो या सामाजिक दायरे में हो, मेरी एक पहचान है, लोग मुझे जानते हैं अच्छे, कुछ लोग अच्छे रूप में जानते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे राजनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है, तो जो प्रत्याशी थे वो आए थे मुझसे बात करने, और उससे ज़्यादा कि मैं उनको समर्थन दूँ आने वाले चुनाव में। दोनों आए, दोनों ने अपनी बात की, दोनों को मैंने शुभकामना दिया, ज़रूर दूंगा, कोई लड़ रहा हो तो उसका हौसला बुलंद करना चाहिए, शुभकामना दी। और मैंने दोनों से बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो मैंने कल रात को पीसी में कहा था, कि मैं इस चुनाव से जब अलग हट रहा हूं तो साथ में ये भी कह रहा हूं अपने लोगों को, सारे लोगों को, कि मैं ना किसी के पक्ष में हूं ना किसी के विरोध में हूं। पूर्णिया के लोग अपने विवेक के अनुसार अपने अपने पसंदे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको चुन लें, उनको वोट दे दें, और नहीं समझ में आता है किसी को वोट नहीं देना तो संविधान ने और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटा का विकल्प दिया हुआ है, नोटा दबा लो। इसलिए वो आए थे, उनका आना बिल्कुल उचित है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके जब मैंने कल साफ कर दिया था कि मैं महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, तो मेरे यहां तो कोई भी आ सकता है। मैं किसी जब दल से अपने आप को इस समय में सम्मिलित कर ही नहीं रहा, तो ये दोनों लोग आए थे, दोनों लोगों ने मेरा सहयोग या जिसको लोग आजकल आशीर्वाद कहते हैं, मैं नहीं मानता आशीर्वाद, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं किसी को आशीर्वाद देता फिर, लेकिन सहयोग मांगने आए थे। मैंने बता दिया कि मैं न किसी के पक्ष में हूं न विरोध में। पूरे देश में इस वक्त चर्चा सर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपकी क्या राय है? साहब, मैं इसमें बिल्कुल वही राय रखता हूं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया है, कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल
गैर संवैधानिक कानून बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को बनाया, अपने लाभ के लिए बनाया। सबसे बड़े लाभार्थी भी भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन ये कहना गलत होगा कि और किसी ने इसका लाभ नहीं लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल का इसमें नाम आ रहा है। चिंता के विषय यह है, देखिए बात को छुपाने से क्या फायदा है? राजनीतिक दल को पैसों की जरूरत होती है, चुनाव में पैसों की जरूरत होती है, पैसों का इस्तेमाल होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और पैसा कोई नेता अपने घर की जमीन बेचकर तो लाता नहीं, किसी से चंदा के रूप में ही लेता है। लेकिन जिस तरह की रकम इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में निकल के आ रहा है, मैं नहीं मानता कि कोई कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसकी ना उतनी टर्नओवर हो ना उतना उसका मुनाफा हो, जिस तरह के वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का खरीद के दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लेन देन की बू तो आती ही है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कोई कंपनी को इतनी चिंता हो गई चुनाव लड़ने और लड़वाने की कि वो अपने शेयर होल्डर्स के बिना अनुमति के उसकी कंपनी का उतना मुनाफा ना हो जितने वो पैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में खरीद के अलग अलग राजनीतिक दलों को दे रहा है। तो ये गैर संवैधानिक भी नहीं है, ये तो एक कानूनी तरीका बना दिया गया रिश्वत लेने का, इसमें कहां दो मत है। और इसलिए, और बाकियों ने लिया तो वो अपना जवाब सवाल करेंगे, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छत पर से चिल्लाया करती थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, वो भी एक जुमला बन के ही रह गया। अच्छा खासा घोटाला हुआ, नहीं तो कहां से इतने हजारों करोड़ रुपए आपको मिले, क्यों दे दिए उसे? और उसमें तो अगर तारीख मिलाइएगा, और अन्य दलों का भी, चाहे वो बंगाल के हों, तमिलनाडु के हों, महाराष्ट्र के हों, और भी उत्तर प्रदेश के हों, बिहार में भी जेडीयू को कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन ज्यादातर में अगर मिलाइएगा कि किस तारीख को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिले और किस तारीख को उस कंपनी को कोई ना कोई उस सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाया गया, तो एक पूरी कहानी बन जाती है, जिससे ये शक को और बल मिलता है कि भाई ये तो एक रिश्वत लेने का नया तरीका निकला, एक कानूनी तरीका निकाल दिया आपने और उसके माध्यम से पैसे ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक बहुत सीरियस संजीदा मामला है, और मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि देश के सभी लोग इसको बारीकी से देखें। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही नतीजे में पहुंचे, ये मेरा कहना है, लेकिन इस बात को देखें जरूर। बिल्कुल ही बेरुखापन के होने में जो होता है ये अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको लोगों को संजीदगी से और बारीकी से और गहराई से इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इश्यू को देखना चाहिए। अब हम प्रश्न पॉलिटिकल बिहार से करते हैं। बिहार में बीजेपी ने किसी भी महिला को कैंडिडेट नहीं बनाया है, क्या इससे लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व पर कोई सवाल खड़ा होता है? भैया ये जो बहुत आलोचक लोग कहते हैं कि ये जुमला पार्टी है बीजेपी, उसको ये साबित करते हैं ना महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन और तरह तरह के जो ये शब्दों का और मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो दिख रहा है ना। आपने अभी तो स्पेशल सेशन बुलाकर पार्लियामेंट का विमेंस रिजर्वेशन बिल पास कराया, जिसको आपने 29 या पता नहीं 33 कहाँ कहाँ ठेल दिया है, लेकिन अगर उसमें आपको विश्वास होता तो आपको तो अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह फैसला कर लेना चाहिए था कि साहब कम से कम 40 सीटों में से 12-15 सीट हम महिलाओं को देंगे। और सक्षम महिलाएं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, ये तो हास्यास्पद बात है। एक से एक पढ़ी लिखी सक्षम महिलाएं
सब जगह है, और ये कहना कि हमारे दल में नहीं थे, तो अब तो वो भी बात खत्म हो गई। कौन किस दल में किस, अब तो दिन भी नहीं, अब तो घड़ी देख करके 9 बजे वहां थे, 10 बजे वहां चले गए। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाओं को टिकट नहीं देना, ये कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। अगर सर इंडिया गठबंधन की बात की जाए बिहार में, तो देखा जा रहा है कि बाहुबलियों की पत्नियों को मैदान में लाया गया है, इसको लेके क्या कहना है? इसको लेके बड़ा स्पष्ट है, लड़ेंगे तो चुनाव बाहुबली ही, जीत गए तो चलाएंगे भी बाहुबली ही, लेकिन लोगों की नजर में या कानून की नजर में ये ना आए कि कोई बाहुबली लड़ रहा है, इसलिए पत्नियों को लड़ाया जा रहा है। ये कभी मतलब नहीं है कि वो पत्नी अपने आप में सक्षम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये जुड़ता है कि एक बाहुबली की पत्नी, तो पत्नी की जितनी भी क्वालिटीज हो, जितने भी गुण हो, वो पति के बाहुबली होने के बोझ तले दब जाता है, और लोग फिर उस महिला के बारे में न बात करके उस बाहुबली पति की बात करते हैं कि फलाने की पत्नी लड़ रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। आपसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंटरव्यू के अंत में है, और जब आप उदय सिंह का फेसबुक पेज खोलेंगे ना, तो एक आंदोलन के बारे में लिखा है। वो आंदोलन का पेज मैंने 3 महीने पहले बदलता देखा था, शायद 3 से 4 महीने हो गए। वो आंदोलन क्या है और उस आंदोलन के बारे में जरा बताएं। उसका नाम है पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन, उसकी एक पुस्तिका भी है, आपको मैं भेंट भी करता हूँ। ये पुस्तिका है उसके, इसके उद्देश्य क्यों करना चाहते हैं हम, क्या करना चाहते हैं हम, इसमें है मुख्य तौर से शिक्षा, पलायन, जो नशीली पदार्थ की बढ़ोतरी हो गई है उसके सेवन में, पूर्णिया की कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करके। आंदोलन का मतलब ये नहीं है जन आंदोलन का कि हम कहीं धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि अपने आप में, अपने अंदर ही एक फीलिंग पैदा कर रहे हैं, एक स्वभाव अपना बना रहे हैं कि हमें तो खड़े होकर मांगना होगा, हमें आंदोलित होना पड़ेगा, अपने लिए इन चीजों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। यही है पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन, और चुनाव के तुरंत बाद आप देखेंगे कि इस कार्य में भी बहुत प्रगति होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर था, मैं नहीं भी लड़ रहा था फिर भी इससे बिल्कुल अलग नहीं रह सकता था, इस कारण ये 2-3-4 महीनों से ये इस पे बहुत प्रगति नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद आप देखेंगे कि इस पे बहुत जोरों से, और इसका जो बैकग्राउंड वर्क है गांव पंचायत वार्ड में वो हम लोगों ने किया हुआ है, इसलिए इस पे बहुत तेजी से प्रगति दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को विवाद के ढंग से रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, आप हमें फॉलो कर लें। शुक्रिया।